एक बार फिर तमाम साथियों को ये आली मदद। आज हमारा तसव्वुर नूर आला का पांचवा सेशन है। आप सोचे हैं कि खुदा का नूर जो पूरी कायनात को अपने घेरे में लिया हुआ है, वो जमीन और आसमान का नूर है। वही नूर मोहम्मदी भी था, नूर अली भी था, और वही आज नूर इमाम की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद है। वो अलग-अलग जगहों पर अपने नूर को कभी मोहम्मद से तशबीह देता है, कभी मूसा से तशबीह देता है, कभी लोगों से तशबीह देता है, कभी हुजतान यानी कि पीरों से तशबीह देता है। लेकिन एक आयत जो सूरह रहमान में है, 14 नंबर की आयत है, यानी कि 55:14, उसमें खुदा एक बात अजीब वगरीब बताता है कि मेरी रोजाना एक नई शान है, मैं रोजाना एक नई शान से हूं। अगर इसको आम मायनों में लें, यानी कि तंजील की सूरत में, खाली लिटरली अल्फाजों की सूरत में लें, तो ऐसा होगा कि जैसे खुदा का नूर कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, अलग अलग तरीके से। लेकिन ऐसा कैसा मुमकिन है कि सूरज कभी छोटा हो, कभी बड़ा हो? ऐसा नहीं होता है। वो तो सूरज, तो बस सूरज अपनी जगह पर। अगर सूरज अपनी जगह पर हमेशा ऐसा ही है, जमीन टर्न करती रहती है, तो कभी हमारे यहाँ गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बाहर होती है, कभी खिजा होती है, लेकिन सूरज अपनी जगह पर खड़ा होता है, ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन सूरज जो खुदा का बनाया हुआ है, तो फिर उसका नूर तो उससे भी ज्यादा ताबान और हमेशा एक जैसे रहने वाला होगा। तो फिर वो क्यों कहता है कि मेरी रोज एक नई, ब्रांड न्यू, एक अलग तरीके से शान है? यानी कि कभी मैं एक कलर का सूट पहनता हूं, कभी दूसरे कलर का सूट पहनता हूं, कभी ये टाई पहनता हूं, कभी वो टाई पहनता हूं, अलग शान में होता हूं रोजाना। तो ये क्या बात है? और फिर वो अपने नूर की तस्वीर मिसाल कभी सूरज मुनीर से देता है, तो कभी चिराग से देता है। कभी वो अपने नूर को कहता है कि जमीन और आसमान का है, तो कभी कहता है मोमिनों का है। तो ये क्यों अलग अलग? इस आयत को पढ़ते हुए समझ में आता है कि खुदा हर रोज एक नई शान में है, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है ना, वो इंसानों से है, और इंसान अलहदा अलहदा दर्जात में होते हैं। तो कभी उसका नूर सरदार अंबिया की तरह होता है, तो कभी उसका नूर 1,24,000 पैगंबर में से ऐसे पैगंबर का जिसका नाम भी हमको पता नहीं है, क्योंकि कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है, सिर्फ 25 पैगंबरों का, 1,24,000 कहते हैं, सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है, नाम के साथ, आसमान के साथ। अब खुदा जब ये कहता है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि वो हर रोज एक नई शान में किस तरह से है। तो पहले हम ऊपर से मिसाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा तसव्वुर नूर आला है, ऊपर का तसव्वुर, तो वहां से शुरू करेंगे और फिर हम नीचे नीचे करीब से करीब। तालीम का एक तरीका ये बहुत बेहतरीन है, वो ये है कि आप इल्म को करीब 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 और अपने तक पहुँचा दें, और हर चीज का जो ताल्लुक है उसे अपने ऊपर उसका अप्लाई करें।
इसकी मिसाल यह है कि अगर कहीं पर यह लिखा हो कि गुनहगार लोग ये करते हैं, तो आप ऐसा ना बोले कि उसके लिए ये बात है, बोले ये मेरे लिए बात है कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। अगर खुदा कहे कि कुछ लोग रास्ते से भटके हुए हैं, तो आप बोले वो खुदा खास मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप करीब नहीं लाएंगे ना उसको, तो जब आप रास्ते से भटक जाएंगे आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप गुनहगार होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? कि आपने सारे बुराइयों को किसी और से मसरूख किया हुआ है और सारी अच्छाइयों को अपने से मसरूख किया हुआ है। तो जब कोई बयान हो ना कि वो ईमान वाले थे, तो फिर उसको अपने से मसरूख ना करें, बोले ये कितनी ईमान वाली है, ये कितनी ईमान वाली है, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। आप ये मेरी बात समझ रहे हैं ना कि जब कोई ऐसी बात हो यानी कि वो गुनहगार थे, वो बात नहीं मानते थे, रस्ते से भटके हुए, तो अपने पर उसको अप्लाई करें ताकि हम ना भटक जाएं, ताकि हम गुनहगार ना हो जाएं, हम गलत काम ना करें, हम ना फरमान बरदार ना हो जाएं। हमसे इमाम का नूर, दीदार, उसकी शफकत, उसके फरामीन, उसकी हिदायत दूर ना हो जाए। अगर हम ये कहेंगे कि हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं, उससे क्या होगा कि हम केयरलेस हो जाएंगे, हम तवज्जो नहीं देंगे, और जब तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, शैतान हमला करेगा। आए दोबारा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि खुदा एक नई शान में है। तो जब दुनिया के अंदर आदम आए तो वो खुदा की वो पाक तजल्ली थी, मैनिफेस्टेशन था, रूप था। तो आज खुदा की एक नई शान थी आदम की सूरत में। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो खुदा की एक नई शान थी उसकी सूरत में। अब उनके दरमियान में कुछ इमाम भी हो गए उसकी सूरत में, उसके दरमियान में कुछ और पैगंबर भी हो गए, 124,000 पैगंबर है उसकी सूरत में, उसके दरमियान में कुछ उज्जतान भी हो गए, दायान भी हो गए, मोमिनीन भी हो गए उसकी सूरत में। करते 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 मूसा की सूरत में, ईसा की सूरत में, मोहम्मद की सूरत में, कभी अली की सूरत में तो कभी हुसैन की सूरत में, रोज एक नई शान से, रोज एक नई शान से। यानी कि कल जो हमने देखा था, जिसको हम कहते थे कि बेहतरीन जमाना है, तो इमाम ने अपने फरमान में फरमाया कि हम जब कहते हैं कि ये मॉडर्न जमाना है, तो ये कंपैरिजन है यस्टरडे का। हो सकता है कि टुमारो वो लोग कहें कि आज ये मॉडर्न जमाना है। तो हर जमाना अपने लिहाज से, जब मौला फरमाते हैं कि आज ये मॉडर्न जमाना है, जब हम कहते हैं कि आज ये मॉडर्न जमाना है, तो ये कंपेयर करते हैं हम यस्टरडे से, पिछली कल से, क्योंकि पिछली कल से आज ये मॉडर्न है। लेकिन टुमारो आने वाली कल में वो मॉडर्न जमाना होगा कंपेयर टू आज। तो हर रोज हम कह सकते हैं कि ये जदीद जमाना है, क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है। तो मेरा एक फरमान हो रहा था कि जब हम मॉडर्न कहते हैं तो क्या मतलब है इसका, क्योंकि हर रोज को हम कह सकते हैं मॉडर्न है पिछले कल के कंपैरिजन में, उससे मिलाते हुए, ठीक है ना। तो खुदा की जो शान है वो इसलिए कहते हैं मेरी हर रोज एक नई शान है, क्योंकि वो हर हमेशा एक नई शान के अंदर लोगों के दरमियान में रहता है। ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि इमाम खुदा का नूर दुनिया में एक नई शान में रोजाना होता है। आज की कल ऐसी खूब करेगा अल्लाह, बिल्कुल ये तो ये शायद का तर्जमा हो गया। और ये हमारे लिए प्रूफ है कि इमाम खुदा की गाइडेंस, खुदा का नूर दुनिया में हमेशा एक नई शान के साथ रहता है। क्योंकि अगर एक दिन इमाम ना हो या खुदा की नई शान ना हो, तो क्या मतलब है कि मैं कल तक तो एक नई शान में था, आज मेरी कोई शान नहीं है।
देखा आपने, तो खुदा का नूर, खुदावंद ताला का तजल्ली, उसका मैनिफेस्टेशन हमेशा एक नई शान के साथ और हर रोज पिछले रोज से बेहतर। हालांकि नूर के लिहाज से कोई इमाम कोई पैगंबर अलग अलग नहीं होता, वही नूर जो आदम के अंदर था वही नूर मोहम्मद के अंदर था, वही नूर अली के अंदर था, वही नूर शाह करीम के अंदर है। एक बहुत मशहूर हदीस है कौकब दूरी चैप्टर टू सेकंड चैप्टर के अंदर के माफी चैप्टर थ्री के खुदावंद ताला ने मेरा हदीस है ना, हाँ सॉरी आई एम सॉरी बैक टू चैप्टर टू में ही है क्योंकि ये हदीस है। चैप्टर थ्री में मौला के कलाम है। चैप्टर टू में बाप कोकब दूरी चैप्टर टू बाप दो हदीस है कि खुदावंद ताला ने मेरा और अली का नूर आदम से 14,000 साल कबल बनाया और उसके बाद उसको आदम में रखा और आदम से होते 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 मेरे दादा अबू मुतलिब में आया और अबू मुतलिब से उसके दो हिस्से हुए, एक अबू तालिब में और एक मेरे वालिद अब्दुल्ला में गया। अब्दुल्ला से मुझ में नूर आया और अबू तालिब से अली में और हम एक हैं वापस, यानी कि वो एक नूर की बात हो गई कि हम एक हैं। तो आपने देखा कि नूर के लिहाज से कोई पैगंबर या कोई इमाम अलहदा नहीं होता है, एक ही तरीके से एक ही नूर में काम करते हैं। लेकिन दुनिया के लिहाज से, जमाने के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, जगह के लिहाज से वो अलहदा अलहदा काम करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा समझने के लिए मिसाल बहुत अच्छी है। आप में से हमको अगर सोचे तसव्वुर करें हसन अली शाह माँ बाप और शाली शाह माँ बाप, उन्होंने दुनिया में कौन से बड़े बड़े काम किए, क्या किया उन्होंने, आपको एक भी मिसाल याद नहीं आएगी। हसन अली शाह और अली शाह, हाँ नहीं वो तो उन्होंने इज्जत की मजबूरी से, लेकिन कौन सा बड़ा दीन का काम या दुनिया के अंदर कौन सा बड़ा काम किया, नहीं याद आता है। पता है क्यों? क्योंकि दौरे क्यामत आने से पहले खामोश रहना होता है थोड़ी देर के लिए, ताकि जब आवाज आए तो जोर से आवाज आए। अगर खामोशी नहीं होगी, अगर बहुत ज्यादा शोर होगा बाहर, उसमें अगर कोई रिक्शा चलती होगी हॉर्न भी मारता होगा तो हमको आवाज नहीं आएगी उसकी। अब सोचे सड़क पर हम खड़े कितना शोर होता है, उसके दरमियान में कोई हॉर्न मारता है कुछ भी करता है हमको आवाज़ भी आती है, वो शोर में मिल जाता है। चूंकि इमाम अका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानब से फिदा हो, उसका जमाना दौरे क्यामत का आगाज था, तो उसको समझाने के लिए, उसको नुमाया करने के लिए, उसको दिखाने के लिए पहले खामोशी की गई और उनका उन दोनों का जमाना बहुत ही क्वाइट था, लेकिन वो अपने नूर के लिहाज से तो भरपूर थे। उनके फरामीन को देखें कैसे कैसे फरमान है उनके, अली शाह फरामीन, लेकिन काम के लिहाज से खामोश जमाना था, यानी कि कोई बड़ा काम नजर नहीं आता है। जैसा मुला अली के जमाने में हमको बहुत सारी चीजें नजर आती है, इमाम जाफर साहब के जमाने में बहुत सारी चीजें नजर आती है, लेकिन हसन अली शाह और अली शाह के जमाने में कुछ नजर नहीं आता है। मैंने कुछ रिसर्च की थी इसके ऊपर कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया जो हमको नुमाया हो, तो जो भी उनकी किताबें मिली उसमें सिर्फ दो चीजें नुमाया थी कि वो हिजरत करके नीचे उतरे थे और यहाँ के वो शिकार करते थे, बस और कोई चीज नजर नहीं आती। यानी कि शिकार कौन करता पता है ना, जिसके पास बहुत वक्त होता है, बहुत वक्त हो जिसके पास
तो शिकार करता है, क्योंकि शिकार टाइम पास होता है, क्योंकि इमामत तो चलनी थी ना। लेकिन उनको अपने जमाने के लिहाज से एक असाइनमेंट मिला था, और असाइनमेंट क्या था, खामोश रहना, ताकि जब शोर हो, कोई घंटी बजाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे तो सुनाई दे। अब आप सोचे कि जब सुल्तान मोहम्मद शाह तशरीफ लाए तो उस वक्त सिर्फ गधा गाड़ी और लाइटन थे, लाइटन, और सुल्तान मोहम्मद शाह की ही जिंदगी के अंदर पहला रॉकेट रेडी हो गया था, गया नहीं था कहीं पर, रेडी हो गया था पहला रॉकेट चांद पे जाने के लिए तकरीबन 54 में। और सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी मेमोर्स में इसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है कि जब मैं गाड़ी पे बैठा तो ये डार्क एजिस था, हम अंधेरे में थे, हम पहियों पर और लैटन पे चलते थे, और मेमोर्स प्रिंट हुई है तकरीबन 55-56 में, और उसमें फरमाते हैं, और आज का दिन देखें आप कि लोग चांद पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं और हवा में उड़ने की बात हो रही है, और फिर उसमें एक मिसाल बयान करते हैं कि 1923 में जब लॉर्ड पेंटन के जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे अपने जमाने के, उससे जब मैंने पूछा, सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि जब मैंने उसको पूछा कि क्या लोहा आसमान पे उड़ सकता है, तो उन्होंने कैटेगरी ली, यानी कि यूं करके मना किया, हाँ, कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि लोहा बहुत भारी होता है हवा से, तो वो गिर पड़ेगा और ये मुमकिन नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। और आज देखो आप कि ना सिर्फ हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बल्कि लोग ग्रेविटी से निकलकर, यानी हमारे मदार से निकलकर चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये मेरा जमाना है। तो मुझे हाईलाइट करते हो कि जो तरक्की 6,500 साल के अंदर नहीं हुई थी, आदम से 6,500 साल में नहीं हुई थी, वो मेरे जमाने में, यानी कि 72 ईयर के अंदर हो गई, 72 ईयर के अंदर। और हाजिर इमाम फरमाते हैं कि जो तरक्की मेरे दादा के जमाने में हुई थी वो अब इस जमाने में हर साल होती है, यानी कि जो 72 ईयर के अंदर हुई थी ना, अब वो हर साल इतनी तरक्की हो रही है। तो आप मल्टीप्लाई करें 72 को 50 से, आप इतनी तरक्की हमने कर ली, हाँ 60 अभी हो जाएगा, अभी 60 होने वाला है, तो 72 मल्टीप्लाई में 60, इतनी तरक्की की दुनिया ने। तो देखा खुदा किसी शान में, आज का खुदा कैसी शान में है, और ये नई शान कैसी है उसकी कि दुनिया जो है वो इमाम को जानती है, इमाम को पहचानती है, उसकी इज्जत करती है, और इस्लाम इमाम के नाम से पहचाना जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। आज जिसको लोग इस्लाम कहते हैं वो बुरा इस्लाम उसके सामने नजर आता है, लेकिन कल जब लोग कहेंगे इस्लाम तो वो कहेंगे इस्माइली, जब लोग कहेंगे इस्लाम तो वो कहेंगे इमाम आगा खान, यानी मदद। इस तरह से लोग खुदा को एक नई शान में देख रहे हैं आज, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना सिर्फ इमाम को इस तरह से पहचानेंगे वो,
बल्कि इमाम के उन मुरीदों को कि जो इमाम के नक्शे कदम पर चलते हैं, यानी कि जब वो आपको देखेंगे तो वो आपके अंदर इमाम का नूर पाएंगे, और जब वो आपके अंदर इमाम का नूर पाएंगे तो आपको क्या कहेंगे, क्या ए भाई ए बहन तू हमें भी कुछ नूर दे दे, जो तुझे मिला है ना तू मुझे भी दे दे थोड़ा सा। तो आपकी भी शान एक नई होगी। आज हम को लोग हो सकता है कहें कि इस्माइली जो है वो काफर है, कल नहीं बोलेंगे वो, कल वो बोलेंगे कि इस्माइली ही सिर्फ हकीकी मुसलमान है, इस्लाम जो है वो यहाँ है और वो ज़माना दूर नहीं है, दूर नहीं है। आपने कराची के एक टीवी के अंदर और एक न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि उस शख्स ने कहा कि इस्माइली जिसको हम आज तक गलत समझते हुए आए थे, आपकी कराची की टीवी में आया था, जिसको हम गलत समझते आए थे, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या और क्या किया, तो फिर उसने जायजा लिया पूरा आगाना हॉस्पिटल से लेकर और हमारे यहाँ पर ये जो हादसा हुआ, हमारे लोग कुछ मारे गए या सफूरा में, वहां तक का उसने पूरा किस्सा सुनाया इस्माइलियों का। क्या आप देखें कि जब उसको मार दिया गया और जब इमाम से पूछा गया, इमाम ने क्या कहा, कुछ भी नहीं कर रहे हमको, हमको कोई बदला नहीं लेना, हमको कुछ भी नहीं करना। जबकि हमारे यहाँ एक सुन्नी को एक शिया को मारा जाता है तो वो 10 सुन्नी को 10 शिया को मारते हैं, जबकि इसके 42 इस्माइलियों को मारा गया और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं। और जब इस्माइली से हम पूछते हैं कि आपके इस्माइली भाई मारे गए तो क्या आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा। तो ये एथिक ऑफ इस्लाम है, ये इस्लाम का तरीका है, इस्लाम इस तरह से, ये हकीकी इस्लाम है, वो कहता है। और अखबार में मैंने इतनी क्लिप पढ़ी उर्दू के अंदर, उस क्लिप के अंदर तकरीबन यही बातें लिखी हुई थी कि ये इस्माइलियों की शान है कि जब उनके यहाँ कोई हादसा होता है तो वो सब्र करते हैं जो इस्लाम का शेवा है, और हमारे यहाँ कोई हादसा होता है तो हम बदला लेते हैं, गुस्सा करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। अब इस्लाम कौन पाल रहा है आज, हमको कुछ भी नहीं करना होगा, ये लोग खुद हमारी तारीफ करेंगे, हमारी एक नई शान होगी और इस्लाम इक्वल टू इस्माइली होगा, इस्लाम इक्वल टू इमाम होगा, इस्लाम इक्वल टू आगा खान होगा, हम एक नई शान में होंगे। और कुरान की ये बात कि खुदा एक नई शान में होता है रोजाना, हम एक नई शान में होंगे इस आयत के मुताबिक। अब आ जाए हम सूरह अल हज, 22 नंबर की सूरह होगी, आयत नंबर 47। कल हमने एक बात की थी कि वो लोगों में अपने नूर के जरिए से चलते हैं, तो जब हम एक नई शान में हो गए तो इमाम नहीं, इमाम तो बादशाह है, हम जैसे गरीब और मुफलिस मोमिन भी इमाम का नूर हासिल करके लोगों के अंदर चलेंगे और हमसे इस्लाम का नूर, खुदावंद ताला का नूर, इमाम का नूर, हिदायत सब दुनिया के अंदर फैल जाएगी। यानी कि लोगों को जब हिदायत की ज़रूरत पड़ेगी, आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारी तरफ देखेंगे। क्या आप हमको बताओ, क्योंकि उनकी एग्लोमेंट तक पहुँच नहीं होगी, लेकिन हम तक तो पहुँच होगी।
और उसके लिए हमें यानी हम इतने छोटे ग्रुप को तैयारी करनी होगी। वल्ला जब लोगों का पता चलेगा कि आपके पास वो हकीकी इल्म था और आपने गौर से नहीं सुना और आपने उसको मेहनत से नहीं लिया और याद नहीं रखा, तो वो बोलेंगे आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने क्यों इस इमाम के इल्म को जाने दिया, आज हमें बड़ा इल्म नहीं आप हमको दें, फिर आप क्या जवाब देंगे? वो आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचेंगे कि आपको हकीकी इल्म दिया था कि नहीं दिया था, आपने उसको लिया था कि नहीं लिया था, आपने उसको याद किया, क्या आपने उस पर मेहनत की, क्या आपने उसको समझा, क्या आपका उस्ताद आपको बोलता था कि अगर पूछना है तो पूछ लो सवाल, क्या कभी उसने मना किया था? हमको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं जब इस आयत को देखता हूं कि खुदा एक नई शान होता है रोजाना, और इस आयत को देखता हूं कि आपके नूर के साथ आप लोगों में चलने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मौला मुझे माफ करे अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो, लेकिन मौला हमको ये हिदायत दे रहा है कि आपको एक नई शान के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आप मेरे वो फरिश्ते हैं, आप मेरा वो चेहरा है, आप मेरी वो पहचान है लोगों के दरमियान में, क्योंकि एग्रोमेंट तक लोगों की पहुंच नहीं होगी, आप तक उनकी पहुंच होगी, आपसे ये नूर इल्म की सूरत में लोगों तक पहुंचेगा, आपके भाई बहनों तक, आपके खानदानों तक। आप खुद उसके ऊपर मेहनत करें, और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कभी कभार ऐसा लगता है, हमारी एक बहन थी, वो कहती थी कि मेरे को तो बोलना नहीं आता है, यानी मैं बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है ना? आप ये तो बोल सकते हैं ना कि हकीकी इल्म कहाँ मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, आपका काम तो खत्म हो गया, आपको क्या करना है, आप कहें कि हकीकी इल्म कहाँ मिल रहा है, फिर उसके ऊपर फर्ज है कि वो ढूंढे, आप बताएं कि हकीकी इल्म मिल रहा है, फिर उसको चाहिए कि नहीं चाहिए उसकी मर्जी, आपको भी शायद, ठीक है? क्योंकि खुदावन ताला इस दौरे क्यामत के अंदर, जब मैं खुदावन ताला कहता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, खुदावन ताला जब मैं कहता हूं इसका क्या मतलब होता है, इमाम अली अल्लाह इस दौरे क्यामत के अंदर अपने नूर को जमीन और आसमान में फैलाने वाला है, तो जब वो जमीन को अपना नूर फैलाएगा तो जमीन तो हम खुद ही है, आसमान तो हो सकता है कोई बड़े बड़े पीर हो गए या कोई बड़े बड़े लोग हो गए, हम गरीब तो नहीं है, हम तो जमीन पर है सब, तो जब उसका नूर जमीन तक आएगा तो कहाँ होगा वो आपके अंदर होगा ना, वो आपके अंदर होगा ना, तो फिर वो आपसे उस नूर को आगे करेंगे। अब देखें सूरह तहरीम आयत नंबर 8, 66 की 8 कि वो लोग आपसे कहेंगे, कौन वो लोग जिसके पास नूर नहीं है, वो कहेंगे ए मेरे भाई मेरी बहन, मैं भी तो तेरा साथ था ना, यानी कि ये वही लोग हैं जो आपके घर में रहते थे, ये वही लोग हैं जो आपके साथ स्कूल पढ़ते थे, ये वही लोग हैं जो आपके साथ जमात खाने में बैठते थे, ये वही लोग हैं जो जमात खाने में और आपके दोस्त हैं, तो वो क्या कहेंगे, उसका जिक्र है कुरान के अंदर, आपका भी जिक्र है कुरान के अंदर और उनका भी जिक्र है कुरान के अंदर, कि वो आपको कहेंगे ए मेरे भाई मेरी बहन, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं होता था, आप अपने नूर से मुझे भी कुछ दे दें। तो ये नूर क्या है, ये नूर क्या है, ये आपके पास वो हकीकी इल्म है जो आपके से मांग रहे होंगे, क्योंकि आप अपना नूर निकाल के उसको कैसे देंगे, हकीकी इल्म की सूरत में देंगे आप उसको, आप उसको एक हकीकी इल्म की सूरत में देंगे। तो यहां पर हम अपना ये पांचवा सेशन
बंद करते हैं और फिर सवाल के लिए कुछ गुंजाइश हो जाएगी। मेरे पास नहीं हुआ।